हमारी बदकिस्मती समझिए या खुशकिस्मती जो उनके बाद हम पढ़ रहे हैं, मगर हम उनसे माफ़ी के साथ कुछ शेर मैं भी सुनाना चाहती हूँ। दिल्ली वालों से मैं वाकिफ़ हूँ, मेरे कुछ तो यहाँ पे इस कदर देवरेवर भी बैठे हैं। मायके और ससुराल वाले दोनों मौजूद हैं, तो इजाज़त हो तो सबसे पहले मैं दिल्ली वालों की खिदमत कर दूँ और आप सबको पहले सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। एक कथा पढ़ना चाहती हूँ और वो भी तोहफे बतौर दिल्ली वालों की मोहब्बतों के हवाले करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा सुनाऊंगी। एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लाल किले में जिसने मुशायरा पढ़ लिया वो पूरी दुनिया में कामयाब हो गया। आप जैसे मतलब मैं पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ दिल्ली वाले हैं, तो चार मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में बाहर के एतराफ़ के हैं उन तक भी पहुँचाती हूँ। हर रंग के फूलों का गुलदान है ये दिल्ली, हर रंग के फूलों का गुलदान है ये दिल्ली, बरसों से अना मेरी पहचान है ये दिल्ली, बरसों से अना मेरी पहचान है ये दिल्ली, दिल्ली के गली कूचे सब जानते हैं मुझको, दिल्ली के गली कूचे सब जानते हैं मुझको, मैं जानू हूँ दिल्ली की मेरी जान है ये दिल्ली। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं देवरों से बड़ी परेशान हूँ, भाई तो मेरे बड़े शरीफ हैं। एक कथा इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि हमारे बीच सदरे मोहतरम तशरीफ़ फरमाए हैं, उन्होंने शुरू में उर्दू के हवाले से काफ़ी अच्छी तकरीर की थी, और चार मिसरे मैं सदरे मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए पढ़ना चाहती हूँ। हमारे डाइस पर बहुत ही मोहतरम शख्सियात हमारे अब्बा बैठे हैं, शहबाज नदीम ज़ियाई साहब, वकार मानवी साहब, अज़हर इनायती साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मंसूर साहब, हकानपुरी साहब, किस किस का नाम लूँ, सब मुझसे बड़े हैं। मैं अदना सी शायरा ये चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। उसने कहा लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सुनिएगा, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, घराने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपकी इजाज़त हो तो राह सर ने तो बहुत अच्छा माहौल बना के दिया है मुझे, एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ और शायरी सुनाने की इजाज़त दे दो। मैं आप सबसे बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ, फिर आप जैसा कहेंगे जैसी फरमाइश है गीत गज़ल की वो मैं सुनाऊँगी, मगर उससे पहले एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ और माहौल भी ऐसे ही है कि आप शायरी सुनाने वाला और वही लोग रह गए हैं जो शायरी सुन रहे हैं। दिल्ली में मुझे पता है बड़े अदब व एहतराम से सुनी जाती है। मेरी दोस्त बैठी हैं सामने, मेरे बहुत ही करम फरमा सामने लोग बैठे हैं। एक शेर मतलब समाप्त कीजिएगा और किसी काबिल हो तो दुआओं से नवाज। मैं देख रही हूँ सामने, आ जाओ, काफ़ी जगह है अगर आना चाहो तो। सुने ससुराल वाले जब देखो जब पीछे से ही वार करते हैं। सुनिएगा,
जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, अगर शायरी हो तो दुआएं मिले। जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है, गीतों को वो बिखराए, झूमे के वो लहराए, गीतों को वो बिखराए, झूमे के वो लहराए, जो दूर है नागिन से, जो दूर है नागिन से, झूठा वो सपेरा है। वाँ वाँ। जो दूर है नागिन से झूठा वो सपेरा है। और एक शेर अपने बड़े बुजुर्ग, सबर करो, बड़े बेसब्रे लोग हैं, शेर पढ़ती हूँ। और शायरी के हवाले से हमारे डाइस से जो बहुत ही मोहतरम और बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, अगर किसी काबिल हो तो बुजुर्गों की दुआएं मुझे मिलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, सुनेगा। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, वाह वाह वाह। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो अभी घनेरा है। बस नवाज, मैं हाजिर करती, बहुत बहुत शुक्रिया। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो अभी घनेरा है। और एक शेर खासतौर पे हमारे डाइस के सभी शौरा इकराम से भी माफ़ी के साथ दुआएं चाहती हूँ उनकी। मैं बहुत अदना सी शायरा हूँ और मेरे सामने भी मुझे पता है कि बहुत सारे शौरा इकराम बैठे हैं, तो उन तक पहुँचे। किस बात पे नाज़ा हो पुरसोज गज़ल वालो, वाह वाह। किस बात पे नाज़ा हो पुरसोज गज़ल वालो, अपनाया है जो तुमने वो दर्द तो मेरा है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी समाप्त कर ले, ये शेर खासतौर पे जो लोग गांव वाँव में रहते हैं वो महसूस करें, सुनेगा। सूखे हुए खेतों से आवाज आती है, सूखे हुए खेतों बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। और इसका सबसे खूबसूरत शेर जिसके लिए पूरी गजल कही, और ये शेर अमेरिका में हो गया था, मुझसे बस आप तक पहुंचाती हूँ, दुआएं चाहती हूँ। मिल जाए कहीं सूरज गजल का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले, फिर आपसे इजाजत। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है मशरिक में अंधेरा है। वाह वाह वाह, शोएब भाई की फरमाइश है। और
शोएब भाई हुक्म कर रहे हैं। देखिए ससुराल वाले अपनी जगह पे, मगर मायके वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उन्होंने मुझसे कहा है तो एक गज़ल के कुछ शेर सुनाती हूँ। हालांकि सुनाना ये चाहती थी कि नई गज़ल एक सुनाना चाहती थी। बचे रहो, आपको भी सुनाऊंगी, आपके लिए भी बहुत कुछ लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि बिगड़े हुए देवर हैं तो उनके लिए भी बहुत कुछ है, मगर सुने समाज करें। मतलब और दो तीन शेर के लिए हुक्म दिया गया है, वो सुनाती हूँ, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा सुना। सबरदार नहीं हो, बड़े बिगड़े हुए हो, सुनो समाज करें। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई, सुनिएगा, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है। दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। अच्छा, मेरे अपने लोग कितने अच्छे हैं, इस मतले पे दाद दे रहे हैं, मुझे दाद मिलती नहीं, मगर ये दिल्ली है, मुझे पता है इसमें, इसलिए दाद मिल गई। अब शेर पढ़ती हूँ, देखूँ जो जो खामोश रह गए वो कैसे खामोश रहते हैं। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी देर बाद बोले आप, बहुत अच्छे शेर आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा, और ये शेर फिर शोएब भाई की फरमाइश तक पहुँचाती हूँ आप तक। कागज़ की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज़ की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज़ की एक नाव बहा कर दरिया लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। मैं हाजिर कर, हाजिर कर, अच्छा आपकी मोहब्बत ये शेर आप तक पहुंचाती हूँ। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, तूफानों शर्त लगाई जाती है। क्या क्या समेट के ले जा रहा है। शेर पढ़ती हूँ और मैं किसी की नज़ नहीं करूँगी, मैं जहाँ चाहती हूँ वहीं पहुँचेगा। हाँ सुनो, ससुराल वालों ही तक पहुँचेगा, सुनो। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। इसमें भी खुश हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुने। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, मेरे मायके वाले खामोश है, तो आप लोगों की भी दुआएं चाहिए, सुनिए। हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ, सुने। एक मक्ता पढ़ना चाहती हूँ इसमें, और मुझे पता है मुझे ये मक्ता पसंद है, तय आप करेंगे अच्छा है या बुरा है, सुनिएगा। इश्क करूँगी और अना में देखूँगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे आग बुझाई जाती, बस। वाह वाह वाह, देखिए ऐसा है दोस्तों, अभी बहुत से
हमारे मेहमान शायर, हमारे बहुत सारे मेहमान बाकी हैं, वो पहले पढ़ लें फिर मैं बाद में पढ़ूं। मैं तो आपकी, देखिए मैं आपकी हर बात मानता रहा, लेकिन अब आपको भी मेरी एक बात माननी। अरे आना साहबा, ये देखिए मैके और ससुराल का किस्सा अब यहाँ पर आना की जंग बन गया। आइए आप आइए, ये मैके और ससुराल का रिश्ता कायम करके आपने दो ग्रुप बना दिए। मंसूर भाई मैं भी आपको भाई कहती हूँ, इस रिश्ते से तो आप भी मेरे मायके के हो। हाँ बिल्कुल, हम तो, हमें कब इनकार है, इसीलिए तो खामोश बैठे हैं। जिन्हें ससुराल वाला कहा है वही चोर मचा रहे हैं। अभी राज सर ने बोला था ना कि नाज़िम मुशायरा सारी रात झूठ बोलता है, और मैं भी यही कहती हूँ कि नाज़िम मुशायरा सारी रात झूठ बोलता है, और जिसको बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खुदा आपको खुश रखे, आपका कलाम बाला रहे, आप गीत सुनाइए। सुनिए एक गीत सुनाती हूँ, मगर आप लोगों का सबका साथ मिलेगा तो मैं आपको ये गीत सुना सकूँगी। गीत का माहौल मुझे दीजिएगा ज़रूर। और मुखड़ा सुनाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जिसलिए ये मुशायरा होता है 26 जनवरी के हवाले से, मुखड़ा उसी हवाले से पढ़ना चाहती हूँ। एक साहब ने मुझसे ये कहा कि अना साहिबा आपकी ज़ात क्या है, बस वहीं से मुखड़ा हुआ और आप तक पहुँचाती हूँ। अगर किसी काबिल हो तो दुआएं मिले, उसका आखिरी टुकड़ा आप लोग मेरे साथ देंगे, मुझे अच्छा लगेगा, सुनिएगा। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। अब हिंदुस्तान की लड़की और आप तक पहुंचाती, सुनेगा। हरी फिरोजी धानी, नीली पीली लाल गुलाबी पकेट। या तुम लोग बेताले भी हो, ताल वाल मत दो, ऐसे ही सुनो, दाद दो अच्छा लगेगा। मुशायरे में ताली बजाने की ज़रूरत भी नहीं है, सुने, ये कवि सम्मेलन भी नहीं है, सुने। हरी फिरोजी धानी, नीली पीली लाल गुलाबी पके टमाटर जैसी हूँ मैं, एक कुड़ी पंजाबी। जो भी आँख मिला ले मुझसे वो हो जाए शराबी। टूटे बूटे हर ताले की रखती हूँ मैं चाबी। सीधी साधी समझ न लेना, मैं हूँ बड़ी सयानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और ये बंद मैं अपनी दोस्त को नज़ करती हूँ, वसीम राज सामने बैठी हैं, सुनिएगा। मैं चांदी की भरी तिजोरी, मैं सोने का गहना। अगर अच्छा लगे तो आप लोगों की भी दुआएं चाहिए, सुनिएगा। मैं चांदी की भरी तिजोरी, मैं सोने का गहना। जो भी मुझको देखे बोले वाह तेरा क्या कहना। मैंने सीखे हैं जीवन के सारे दुख सुख सहना। मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, मैं बिटिया मैं बहना। मैं रजिया सुल्ताना भी हूँ, मैं झांसी की रानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी।
लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और आखिरी बंद, फिर आपसे इजाजत, आखिरी बंद में मैं बताना चाहती हूँ हिंदुस्तान के कितने रूप हैं। सुनिएगा, मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बंबई दिल्ली वाली, मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बंबई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ सजी धजी भोपाली, मेरे कितने रूप हैं, मैं हूँ बंबई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ सजी धजी भोपाली, हरियाणा के खेतों में गेहूँ की सुनहरी बाली, गुजराती नमकीन हूँ यादें रसगुल्ला बंगाली। अच्छा, मतलब तो बहुत अच्छे से समझते हो, मतलब की बात सबके समझ में आती है, इसलिए गुजराती नमकीन हुया में रसगुल्ला बंगाली, हरी मिर्चियों जैसी तीखी तीखी राजस्थानी, लड़की हिंदुस्तान, मेरे साथ गाओ, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। बहुत शुक्रिया अना साहिबा।